गाइस, अगर आप लोगों ने सिंड्रेला, ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसी मूवी देखी है तो फिर आप लोगों को तो ये पता होगा कि डिज्नी क्या है। डिज्नी कंपनी के फाउंडर सिंड्रेला और ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसे बहुत सारे अमेजिंग मूवीज को देखकर हमारे चाइल्डहुड को इन्होंने ही बेहतर बनाया है। और आज इनकी कंपनी इतना पैसा कमाती है कि आज पूरे वर्ल्ड में 6 डिज्नी लैंड है। अरे भाई, तुझे पता भी है कि एक डिज्नी लैंड कितना एकर में बनता है? एक मिनट, अभी तुझे दिखाता हूँ। और भाई, जिस एक जगह डिज्नीलैंड बन जाता है ना, उस जगह का फेमस होना ही है, जिस तरह के हमारे इंडिया में बनने वाला है। और वो भी एक नहीं, दो, एक बैंगलोर में और एक हैदराबाद में। ओह माय गॉड, वाओ भाई, इसे ओपन कब होगा? वो तो अभी तक फाइनलाइज नहीं किया गया है, पर तब तक तो ओपन हो ही जाएगा जब तक तू बुद्धा हो जाएगा। ओके गाइस, तो फिर बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वॉल्ट डिज्नी को बचपन से ही आर्ट का बहुत बड़ा शौक था, इसलिए उन्होंने 1920 को अपना खुद का एक कमर्शियल आर्ट का बिजनेस शुरू किया जो कि फेल हो गया। इस फेलियर के बाद उन्होंने और कुछ कंपनीज के साथ जो कि फेल हो रही थी उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेट करके एनिमेशन इंडस्ट्री में घुस गए। और फिर उनकी पहली मूवी स्नो व्हाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स के रिलीज होने के बाद आपको तो पता ही क्या हुआ होगा, बूम। फिर उनकी ये मूवी इतनी फेमस हो गई कि ये मूवी 41.8 करोड़ डॉलर कमाई, सीरियसली। और फिर आई पिनोकियो जो कि हिट थी, पर साथ ही साथ उसने एक नहीं दो ऑस्कर जीते थे। मींस पिनोकियो वाज द फर्स्ट डिज्नी मूवी टू विन मोर देन वन ऑस्कर। और फिर आई फैंटासिया, और ऐसे करते करते डिज्नी अपनी मूवीज रिलीज करती गई और वो मूवीज हिट होती गई। और 1937 से 2022 तक डिज्नी ने 800 प्लस मूवीज रिलीज कर चुकी है, और 2023 और 2024 के तो और भी रिलीज होने वाले हैं। ओ माय गॉड भाई, वैसे तो मेन चीज भूल ही गया। क्या? फॉर्मेशन ऑफ मिकी माउस। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। तो फिर चलो इसके बारे में बात करते हैं। 1928 को जब वॉल्ट डिज्नी न्यूयॉर्क से हॉलीवुड आ रहे थे, तब उन्होंने अपने ट्रेन जर्नी में एक माउस बनाया जिसका उन्होंने नाम रखा मिकी माउस। अरे हाँ, देन गाइस, जैसे कि डिज्नी यूनिवर्स है, जैसे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, वैसे ही मैं अपना एक खुद का यूनिवर्स शुरू करने वाला हूँ, रोज इमेजिनरी यूनिवर्स, जिसकी शुरुआत होगी मेरे अपकमिंग बुक अंडर वाटर एक्सप्रेस से। एक ऐसी ट्रेन की कहानी जो कि अंडर वाटर चलती है, जो कि जल्दी किंडल में रिलीज होगी, मुझे नहीं पता कब, पर जल्दी होगी, इसलिए आप लोग उसके इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल रोजन को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।